देखो, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकल कोशिका प्रोटीन। अब जनरली प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं, दूध, अंडा, मांस या दालें, सोयाबीन, पनीर, ये ऐसी सप्लीमेंट खाते हैं। लेकिन कुछ जीव प्रकृति में ऐसे भी हैं जो भले एक कोशिका वाले हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो दूसरी सारी डाइट लेने के बजाय क्यों ना उन्हीं को खा लिया जाए, तो उससे शरीर में क्या होगा, प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसी एक कोशी की प्रोटीन युक्त रचनाओं को भोजन के रूप में ग्रहण करना, जिससे प्रोटीन की कमी पूरी हो जाए, वो क्या कहलाता है, एकल कोशिका प्रोटीन। इसके लिए अब इसका व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा है। आजकल आते हैं ना ऐसे प्रोटीन एक्स और ऐसे अलग अलग सप्लीमेंट, तो वो सब काय के बने हुए हैं, वो इन्हीं का पाउडर है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करते हैं, प्रोटीन तैयार किया जाता है। अब ज्यादातर किनका उपयोग होता है, जो कवक है, कवक के अंदर जो छतरी वाले रहते हैं, मशरूम्स देखे होंगे आपने, मशरूम, एगेरिकस, स्पाइरुलिना, क्लोरेला नामक शैवाल, इन सभी के अंदर क्या होता है, बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यही क्या कहलाता है, एकल कोशिका प्रोटीन। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, सैनिक इधर उधर चले चले, मतलब बेहोश होके गिर गए, क्या क्या बोलते हैं, तो इंजर्ड हो गए बहुत ज्यादा, मतलब अधमरी अवस्था में, ठीक है, चल के जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, खाना पीना तो चाहिएगा उनको। तो उस समय वो सैनिक कई दिनों बाद मिले तो भी वो क्या रहे, जीवित रहे, उनमें कोई भोजन की कमी नहीं है, मतलब जैसे सामान्य व्यक्ति पोषण लेता है कि नहीं, ऐसा उनके अंदर कोई विशेष कमी नहीं दिखी। हालांकि घायल और चोटिल तो थे, लेकिन वो भूखे नहीं मरे। तो फिर उनसे पूछा गया कि कैसे क्या खाया, तो देखा है कि उनके आसपास जो कीचड़ में या जो भी कुछ उगे हुए थे, उनने उनको खाया और जीवित रहे। तो इसके कारण उनको क्या हुआ, प्रॉपर पोषण मिलता रहा। तो तब से ही हमारे देश में तो अब आया 4-5 सालों में, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आज भी ये प्रोटीन या विशेष प्रकार का भोजन ग्रहण करने के लिए ये वाले कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। समझ में आया?